तो दोस्तों इन दिनों बहुत ही गर्मियाँ पड़ रही है, तो इसलिए आज हम बनाएंगे मसाला छाछ जो हमें बिल्कुल ही ठंडा ठंडा और रिफ्रेश फील कराए और जो हमारी बॉडी को भी ठंडक दे। आप इसे दोपहर के एक खाने के वक्त भी ले सकते हैं या फिर इसे आप इवनिंग ड्रिंक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रिफ्रेशिंग छाछ कैसे बनाए ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये घंटी भी दबा दें ताकि मेरी नई रेसिपीज आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये रिफ्रेशिंग ठंडी ठंडी मसाला छाछ बनाना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही चुटकियों का काम है। तो इसके लिए चाहिए होगा आधा कप भर के हरा धनिया। हरे धनिए को हमें इसकी जो सॉफ्ट डंठल है ना उसे भी निकाल लेनी है। डंठल ऐड करने से ये होगा कि ये बहुत ही गाढ़ी बनती है और ये बहुत ही जायकेदार बनती है। तो इसे अच्छे से 3-4 बार धो ले फिर यहाँ पे आप इसे ऐड कर दें। तो उसी के साथ चाहिए होगा यहाँ पे फुदीना पत्ती, तो उसके भी जो सॉफ्ट डंठल होते हैं ना उसे निकाल लेना है और इसे भी हमें 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लेना है। तो दोस्तों फुदीना हमारे हाजमे को भी अच्छा रखता है और हरा धनिया है ना वो हमें बिल्कुल ही नेचुरल ठंडक देता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक हरी मिर्च का टुकड़ा, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर इससे थोड़ा सा तीखा टेस्ट आता है। अगर आप पसंद नहीं करते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसे भी काट कर ऐड कर देंगे और उसी के साथ ऐड करेंगे यहाँ पे भुना हुआ जीरा। जी हाँ दोस्तों गर्मियों में जीरा का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को ठंडक देता है और इससे स्वाद भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो इसे भी ऐड कर देना है एक छोटी चम्मच जितना। इसी के साथ ऐड करेंगे हम यहाँ पर काला नमक जिसे ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, तो इसे हमें स्वाद अनुसार ऐड करना है। काला नमक ऐड करने से हमारी जो छाछ है बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसी के साथ ऐड करेंगे हम रेगुलर सॉल्ट। रेगुलर सॉल्ट हमें थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने यहाँ पे काला नमक भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें 1 कप भर के छाछ चाहिए होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर छाछ रेगुलर सभी के वहाँ पर अवेलेबल होती है इसलिए मैंने यहाँ पे छाछ का ही प्रयोग किया है। तो पहले हम आधा कप भर के ही छाछ ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल ही चटनी के जैसे स्मूथ हमें पीस लेना है। तो ये देखिए ये अच्छे से हमने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हो। तो हमारी ये पेस्ट अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप बची हुई छाछ और फिर से हमें इसे चम्मच से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखा ना दोस्तों बहुत ही आसान विधि है, तो इस दोपहर को इसे ज़रूर से बनाए। तो अब इस मिक्सचर को हमें छान लेना है। अगर आपको ऐसे ही पसंद हो तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो। बहुत ही गाढ़ी लगती है ये छाछ, पर कभी कभी किसी को मुंह में कुछ आए ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से आप इसे अच्छे से छान ले। मैंने भी यहाँ पे इसे छान के ही इस्तेमाल किया है। तो इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए इसका पूरा एक्सट्रैक्ट हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए हमें इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। तो ये लीजिए हमने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप भर के छाछ। टोटल हमने यहाँ पे 2 कप छाछ इस्तेमाल की है और उसके सामने हमने आधा आधा कप धनिया और फुदीना पत्ती इस्तेमाल की है। तो अब इसे बहुत ही जायकेदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऐड करेंगे चाट मसाला। जी हाँ दोस्तों ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे कि ये बहुत ही चटपटी और फ्लेवरफुल लगेगी। तो ये लीजिए दोस्तों तैयार है हमारी बिल्कुल ही चटपटी और मज़ेदार ठंडी ठंडी मसाला छाछ। तो इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम यहाँ पर ग्लास में थोड़ी सी आइस क्यूब ऐड करेंगे जिससे ये अच्छे से चिल हो जाए। ये जितनी ठंडी होगी ना उतनी ही फ्लेवरफुल लगती है। तो ये लीजिए हमने इसे सर्व कर लिया है। देखते ही पीने का मन कर जाए ऐसी हमारी मसाला छाछ तैयार है। तो दोस्तों झटपट से किचन में जाए और आज इसे ज़रूर से बनाए। आप इसे इवनिंग ड्रिंक की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों बहुत ही आसान था। तो दोस्तों इसे ज़रूर से ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे ज़रूर से शेयर करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दे और ऐसी ही और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।